नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमारे चैनल गांव की सुनीता में। तो सो फ्रेंड, अब हमारे यहाँ ना इतनी टाइम पे बहुत ज़ोरों के साथ ठंडी पड़ रही है कि हम ना सुबह का काम बहुत लेट कर पाते हैं। 8 हमको बज जाए, मतलब 8 नहीं 7 तक बज ही जाते हैं बिस्तर से जगने में। इस टाइम 2-3 दिनों से इतने ज़ोरों के साथ ठंड पड़ रही है, बर्फ़ जमने लगा है हमारे यहाँ। किसी दिन ना आप लोगों को मैं बिल्कुल दिखाऊंगी बर्फ़ जमा के। हाँ तो ना आप लोगों के यहाँ इस टाइम पे ठंडी पड़ रही है ज़ोरों के साथ, बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। 10-11 बज जाते हैं समथिंग, कोहरा पड़ा रहता है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती है। धूप निकलने में ना बहुत टाइम लग जाता है, 12 बजे तक तो धूप ही निकल पाती है, कोहरा पड़ा रहता है तो धूप नहीं निकल पाता है, तो हम इसीलिए लेट काम कर पाते हैं। तो आज मैं वीडियो थोड़ा बहुत शूट की हूँ, हमको ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, इतना बिजी रहती हूँ कि क्या बताएं। आप लोगों को पता ही है कि मैं इतना बिजी क्यों रहती हूँ। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं, देरी किस बात की। 2-3 दिनों से ना ठंडी इतना ज़्यादा पड़ रही है तो हमारी तबीयत भी सही उतना ज़्यादा नहीं लगती, इतना ज़्यादा सिर दर्द करता है कि क्या बताएं। कुछ भी काम करते हैं तो एक भी मन नहीं लगता कि मैं क्या काम कर लूँ। अब क्या करें, अकेले हैं तो काम करना ही पड़ता है, किसी न किसी तरह काम करती हूँ। अब सिर दर्द कर रहा है, मम्मी होती तो काम पूरा कंप्लीट कर लेती, चाहे सिर दर्द करे चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं भाई लोग और पापा लोग। बहुत ज़ोरों से हमारा सिर दर्द कर रहा है 2-3 दिनों से। इधर मैं मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट कर ली थी तो आ गई हूँ किचन में। अब मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय में दूध और पानी शक्कर पूरा सब डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम चालू कर दिए हैं तो अब चाय बनना स्टार्ट ही हो गया है, बहुत अच्छे से उबाल आ गया है चाय में। तो मैं डाल देती हूँ अदरक, इधर पूरा कप धो के तैयार कर ली थी तो चाय बन के एकदम कम्प्लीट है। तो चाय को छान लेते हैं कपों में। घर में ना 5-6 लोग होती हैं, बब्बा जी आज नहीं थे तो सब लोगों को चाय दे देते हैं, बनके कंप्लीट है, आइए आप लोग भी पी लीजिए। हाँ तो सब लोगों का इधर ना ब्रेकफास्ट हो गया था तो हमको लगा कि बर्तन साफ ही कर लेते हैं, नहीं तो बर्तन रखे रह जाएगा और दूसरा काम करने लगेंगे तो बर्तन रखे ही रह जाएगा। तो लगातार ना काम जो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो बर्तन साफ ही कर लेते हैं, इसके बाद जो भी काम करेंगे तो कर लेंगे, नहीं टेंशन लगा ही रहेगा कि अभी तो बर्तन साफ नहीं किए हैं, तो अब बर्तन साफ कर ही लेते हैं। पूरा बर्तन साफ कर चुकी हूँ, अब आ गए हैं आंगन पे, तो अभी हमको कुछ काम कंप्लीट करनी है। तो आज बहुत अच्छे से बहुत कड़ी धूप निकली हुई है। हाँ तो मम्मी जी को फ़ोन करी थी तो मम्मी जी बोली हैं कुछ सुखवाने के लिए, तो मैं कल ना बटूरी मटन होता है जो, तो घर में रखा था तो पापा जी बोले उसको भून लो, तो मैं कल भूनी थी, तो आज बहुत अच्छे से धूप निकली है तो उसको सुखवा ही देते हैं, तो वह बहुत अच्छे से सूख जाएगी ना तो दाल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर इवनिंग टाइम सुखवा देंगे तो बहुत ही अच्छे से सूख जाएगी। हम ना ये सब कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, मम्मी सब पूरा काम कर लेती थी, अब तो हम ही को करना पड़ता है। जितना भी काम होता है तो हमको भी करना होता है, अंदर का करो बाहर का करो पूरा काम हमें ही कंप्लीट करनी होती है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ना जिम्मेदारी आ ही गई हैं।
मेरा प्लान था छत में ले जाने के लिए, बोले सुखवा देंगे बहुत अच्छे से सूख जाएगी, बट ना मेरी तबीयत एक भी सही नहीं लग रही थी, तो हमको लगा आंगन में ही बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है तो आंगन में ही सूख जाएगी। तो इधर ना बहुत सारे आंगन में सामान फैले हुए थे, तो मैं अंदर रख रही थी पूरे सामान को। आप रख देते हैं अंदर, बर्तन भी रख देंगे ना तो अच्छा ही रहेगा। तो अभी हमको ना खाना भी बनाना है, तो आज हमको लग रहा है कि खाने में क्या बनाएं। तो आज जाना है, दादी जी बोल रही थी चलना चने की भाजी लेने, बहुत अच्छे से चने की भाजी खेतों में हरी भरी सी है, तो मैं चने की भाजी ले आए हैं खेतों से, बहुत अच्छी हमको लग रही है, इतनी अच्छी कोमली कोमली सी भाजी है इतनी टाइम हमारे खेतों में कि क्या कुछ कह ही नहीं सकते, क्या बताएं। तो इसकी हम आज बनाने वाले हैं दल भजिया। आप लोग दल भजिया जानते हैं? अगर जानते होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसको अब हम काट ही लेते हैं, दाल बनाना है। ये दल भजिया पता है कैसे बनाते हैं? मैं रेसिपी शेयर की हूँ अपने हाथ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इसको अच्छे से काट लेते हैं, फिर छोटे बहुत नानी नानी से इसको काटना पड़ता है चने की भाजी। तो पूरे चने की भाजी मैं ना काट ली थी, आप पूरे एक भगोना में रख लेते हैं, फिर इसके बाद जो काम करेंगे तो करेंगे। बहुत अच्छे चने की भाजी कट के तैयार है। तो मैं आ गई थी इधर नहाने, तो नहा चुकी हूँ, तो आ गए हैं कपड़ा सुखवाने छत में, तो कपड़ा सुखवा ही देते हैं आज ना। हमको बहुत ज़्यादा कपड़ा भी हो गया था साफ करने के लिए, एक टब पूरा कपड़ा था, मैं आज बहुत थक गई थी कुछ भी, और रीडिंग करने को ना आज बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो झटपट से कपड़ा पूरा सुखवा ही देते हैं। पूरा कपड़ा सुखवा चुके हैं, तो अभी मैं छत में ही हूँ। इतनी टाइम ना हमारे खेतों में इतनी हरी भरी हरियाली छाई हुई है। आप लोगों को हरियाली हमारे यहाँ की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी दिन ना मैं अपने खेतों में जाके पूरा अपना खेत दिखाएंगे कि इतनी टाइम हमारे यहाँ कैसी हरियाली छाई हुई है। तो अब मैं जाने वाली हूँ घर। तो इधर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो भैंस लोग ना बहुत धूप ही ले रही थी, उन लोगों को बहुत ही इतनी टाइम तो ठंडी बहुत बेकरार पड़ रही है, तो धूप ले रही हैं। और टंकी में मैं ना इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को करिए लाइक, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं कुछ नए बातों के साथ, तब तक के लिए बब